हेलो सेकेंड ईयर क्लास, मैं डॉक्टर सुधा श्रीवास्तव आज आपको चतुर्थी विभक्ति के बाद पंचमी विभक्ति पढ़ाने जा रही हूँ। इसका सूत्र है ध्रुवम पाए अपादानम। क्या सूत्र है? ध्रुवम पाए अपादानम। अब इसकी व्याख्या, किसी वस्तु का ध्रुव अर्थात निश्चित वस्तु से स्थायी अलगाव अपादान कहलाता है। जहाँ से कोई वस्तु अलग होती है वहाँ पंचमी विभक्ति होती है। अब आइए इसके उदाहरण देखते हैं और आप इसको संस्कृत अनुवाद के लिए भी तैयार करेंगे। ओके, नंबर वन, वृक्षात फलानि पतंति, पेड़ से फल गिरते हैं। वृक्षात में अंडरलाइन है, रेखांकित है, तो वृक्ष से फल अलग हो गया, इसलिए वृक्ष में पंचमी विभक्ति। सह कूपात जलम आनयति, कूपात कुएं से जल लाता है, इसलिए जल अलग हो गया। दिनेशा विद्यालयात आगच्छति, विद्यालय से आता है, विद्यालय को छोड़ दिया, अलग हो गया, इसलिए पंचमी। अश्वात अपतत, अश्वात घोड़े से गिर गया, अलग हो गया, इसलिए पंचमी। बालिका उद्यानात पुष्पाणि आनयति, उद्यान से बगीचे से फूल लाती है, फूल बगीचे से अलग हो गए। मोहना आपणात फलानि आनयति, बाजार से फल लाता है आपणात, इसलिए पंचमी विभक्ति हो गई। तो छात्राओं से कॉपी में करिए, प्रैक्टिस कीजिए और लिख के मुझे दिखाइए। धन्यवाद।